हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं वृंदावन। अभी यहाँ मैं जोगेश्वरी में खड़ा हूँ क्योंकि मैं बैंड्रा से तो बहुत आगे आके भी देखते हैं कैसा क्या सीन मिलता है। सो लेट्स गो राइड फॉर मोर फन। तो आगे पेट्रोल भी भरवाना है मेरे को क्योंकि गाड़ी में तो पेट्रोल है नहीं बिल्कुल भी। आज अकेला हूँ, एकदम अजीब सा ही लग रहा है जाने के लिए क्योंकि कोई साथ में रहता है ना, एक कॉन्फिडेंस रहता है, और अकेले जाओ तो थोड़ा अजीब सा ही लगता है कि क्या कैसा जाऊँ कैसा आऊँगा, बोर हो जाता है रास्ते पे। कोई साथ में रहता है बातचीत करने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा बहुत बोर होता है, मतलब अजीब सा ही लगता है। एक ग्रुप रहना चाहिए, ग्रुप में जाने का मज़े कुछ और होता है राइडिंग करने का। सो लेट्स गो राइड। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई टू विरार तक इतना ख़राब है ना गाइस, तुम सोच भी नहीं सकते। ये रोड पे भगाने का मतलब है खुद को गिराना, इतना घटिया रोड है। लेने जो सामने खड़ी है अपाची RTR 160 V4, अच्छी गाड़ी है पर मेरे को नहीं पसंद बिकॉज अपने NS के सामने ये सब कचरा है। पल्सर तो पल्सर ही रहेगा, बोलते ना बाप तो बाप ही रहेगा। स्कैनर दे दो ना भाई। स्कैनर स्कैनर दे दो ना। ये क्या सीन आ रहा है? हाँ 550। लाइन क्यों आ गया भाई? बहुत मोबाइल में देख रहा हूँ। OnePlus नहीं आ रहा ये सॉफ्टवेयर इशू है, वो अपने आप रात को चले भी जाता है, डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है। नहीं अभी ये नया जब से लॉन्च हुआ है ना सॉफ्टवेयर, नहीं हम लोग का नहीं जाता, वो चेंज करना पड़ता है पूरा उसको। राइट बॉयज द बॉयज। चले दोस्त आए रहते साथ में तो कितना मज़ा आता था, साला अकेले जाओ बोर हो जाते, किसको छेड़े किसको क्या करने का। चले दोस्त लोग रहते कम से कम चमड़ी गिरी तो करते रास्ते में, मज़ा आता है। तो गाइस कांदेवली पहुंच रहा हूँ अभी, अभी तो आधे का आधा भी नहीं पहुँचा हूँ, देखते कितना टाइम लगता है वृंदावन पहुँचने के लिए। ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो गाड़ी खींचूँगा। मज़ा तो आएगा, और कितने टाइम बाद आज गाइस ब्लॉग बना रहा हूँ, कम से कम 3 या 4 महीने बाद, मतलब कितना टाइम हो गया। मैंने पहला ब्लॉग बनाया था वो टुंगेश्वर का था, उसमें अच्छा रिस्पांस आया, थोड़ा मतलब जैसा चाहिए था वैसा रिस्पांस नहीं मिला पर अच्छा था। कुछ नहीं, स्टार्टिंग है चैनल का तो ग्रो होगा, टाइम लगेगा थोड़ा ग्रो होने, हो जाएगा। अरे भी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि ब्लॉग बन जाए उतना, थोड़ा एडिटिंग नहीं हुई होता है। आज फनस मोटो नहीं आया, फनस मोटो सुबह 5 बजे ही निकल गया राइडी पे, मेरे को माधवचुक बुलाया नहीं, भोसड़ी वाला, इसको तो गाली देने का ही मन करता और गाली सुनेगा भी इनचुक ब्लॉग में भी मेरे से।
चूतिया साला बोलता है 5 बजे आ जाना भोसड़े वाला, खुद निकल गया रवा होटल इन छोड़ो, मेरे को बुलाया भी नहीं था, बोलता मेरे को 2 बार फ़ोन किया जबकि 1 बार भी फ़ोन नहीं आया था। सो गाइस अभी ढाई सर पहुँच चुके हैं, अभी वीरा अभी आधे का आधा नहीं पहुँचे, ये बहुत दूर है गाइस, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का टूर था ये। सिटी में ना मुंबई सिटी में कहाँ भी निकलो तुमको ट्रैफिक इतना मिल जा रहा है ना गाइस, तुम सोच भी नहीं सकते। अरे ठोले खड़े थे, मेरे को लगा मेरे को रोकने वाले, इसलिए मैं अंदर दबा लिया गाड़ी गाइस। सामने क्या मस्त पहाड़ है यार, इसको बोलते हैं ऐसे जगह पे घूमने का मजा है कुछ, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता नहीं। अयोध्या मस्त सॉन्ग चल रहा है यार, वहाँ यहाँ पे कितने सारे ठोले खड़े हैं यार। संडे मतलब संडे के दिन लोग छुट्टी नहीं है क्या? सो गाइस अब यहाँ से थोड़ा रोड अच्छा मिलेगा, देखते कैसा मजा आएगा, रोड अच्छा मिलेगा तो जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे तो और मज़ा आएगा, फिर जल्दी आएंगे। यहाँ से थोड़ा ठंडा वेदर, अब राइडिंग करने थोड़ा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंडा वेदर, और गाड़ी चलाते चलाते ना इतना गर्म होता है ना पूछो ना, तो गर्म हवा लगता है और यहाँ पे ठंडी हवा है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं पहाड़ों के एरिया में, अब यहाँ से सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखने वाले हैं, ठीक है, जो यहाँ से पूरा पहाड़ स्टार्ट होता है। मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, एक दिन मैं मेरे दोस्त रात को 3 बजे पार्टी करने के लिए निकले जा रहे थे विरार, वहाँ पे दोस्तों ने बुलाया था पार्टी करने के लिए, अचानक में हम लोग को फ़ोन करके क्योंकि उन लोग का प्लान था कुछ तो उन्होंने बुला लिया, तो मेरा दोस्त बोला चल भाई अपन भी जाते हैं, चल ठीक है जाते हैं, निकाला गाड़ी, दोस्त ने पेट्रोल डलवाया, चल दिए, आते आते हम फुल गाड़ी धूमधाम से आ रही थी, जैसे हम लोग फोर वाली पहुँचते जाती है खड्डे में गाड़ी, मैकविल क्रैक हो जाता है, जो होता है ना उस दिन दर्द पूछो मत भाई, ऐसा लगा था जैसे कोई दिल तोड़ के चले गए, कि जब गाड़ी का मैकविल टूटा था ना वो धड़कन दिल में अजीब से हो रहा था, पूरा हालत ख़राब, पर गाड़ी ने धोखा नहीं दिया, फिर भी एंड टू एंड तक गाड़ी मेरे को मीरा रोड ला के छोड़ दी, जहाँ पे पब्लिक प्लेस और जहाँ पे मैं गाड़ी टो करवा सकता था, तो फिर रात को मैंने पोर्टर किया, गाड़ी ले जाके शोरूम में डाला, फिर जाके घर पे सोचते सोचते सो गए। तो ये थी कहानी मेरी दुख भरी, छोटी सी है, इतनी लंबी करके बता दिया, शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। अभी रोड अच्छा मिल रहा है, अब राइडिंग करने का मज़ा आएगा क्योंकि अब थोड़ा 80-90-100 तक चलने का रोड मिल रहा है, तो मज़ा आएगा क्योंकि यही तो फील सही देता है एक राइडर को, अगर कोई दोस्त रहता तो कितना मज़ा आता था साथ में राइडिंग करने यार, अकेले कितना बोर होता है, खुद में इतना बात कर करके थक जाता हूँ पूछो मत। तो गाइस ये बात मैं सभी अपने राइडर भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ कि गाइस सब लोग ना अपने गाड़ी पे जो मिरर्स रहते हैं साइड मिरर जो निकाल देते हैं मत निकालो करो, क्योंकि गाइस बहुत यूज़फुल मिरर रहता है, हम लोग जब भी ओवरटेक करते हैं तो साइड मिरर अपने को बहुत काम आता है, इवन क्योंकि अपने को देखने मिलता है साइड में व्यू कौन सी गाड़ी आ रही है तो उसमें मालूम पड़ता है, अगर आप बिना देखे ले लेते हो मिरर नहीं है वो गाड़ी बहुत एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं उसमें। तो गाइस बस छोटी सी बात है,
मज़ा आ गया गाइस टॉप स्पीड पकड़ के, 124 गया था यार, मज़ा आ रहा था। मतलब 160 की जितनी टॉप स्पीड है कम पड़ते हैं मेरे लिए। कभी कभी सोचता हूँ यार 160 लेके गलती कर गया, पर क्या करूँ, अभी ले लिया है, जो लिया जो है उसी में खुश हो, जान तो इसी में बचती है लेकिन आके अपनी। सो गाइस ऑलमोस्ट आधा रास्ता भी पहुँच चुका हूँ मैं, देखते हैं और कितना टाइम लगता है यार। सो गाइस देखिए आगे भी यूट्यूबर लोग चल रहे हैं बुलेट पे, मस्त सूट राइडिंग वाइडिंग सूट पहन के, रॉयल एनफील्ड। अभी हम आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, आगे देखते हैं कैसा क्या सीन है। आप व्यू देखिए बस और इन्जॉयमेंट देखिए, यहाँ पे अभी एक से एक व्यू आने वाला है गाइस, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अब आपको टॉप स्पीड से लेके सब कुछ देखने मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ये पूरा रोड है खाली। गाइस व्यू देखो, गाइस ऑलमोस्ट हम लोग पालघर के इधर पहुंच चुके हैं, पालघर का जो टोल नाका है उधर दूसरा टोल नाका आ गया गाइस। डिस्प्लेक है ना आगे का पैड, उसमें से ना खट खट आवाज़ आ रहा है, कोई जानता रहे कभी किसी के साथ ऐसा इश्यू हुआ है तो मुझे कोई कमेंट करके बता देना आप प्लीज़, ताकि मैं मेरी गाड़ी का वो प्रॉब्लम ठीक करवा लूँ।
इतना टर्न नहीं लेने वाला है, सामने से गाड़ी के कैसे आ जाए मालूम नहीं, क्योंकि वन वे है, एक ही रूट पे दोनों गाड़ी चल रही है, आधी जा रही है, मतलब बहुत रिक्स होता है वाला ये है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, कहाँ पर क्या हो गया पता नहीं। सब जगह आने वाला दोस्तों के साथ में आने वाला, जैसे मैं आ गया वो भी मैं उनमें तो अजीब से लग रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ओ गाइस क्या प्यारा रोड है यार, देखो कितने खतरनाक रोड है, टाना है, अब अलग ही गाना बैठने वाली रोड है। बाइकर की ज़िंदगी में ऐसा एक्सप्लोर करना भाई मज़े ही कुछ हो जाता है यार, अब ये सब जगह एक्सप्लोर करना, अलग अलग जगह जाना एक्सप्लोर करना, मतलब उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है यार भाई, इसलिए बोलते हैं ना जो मज़ा आता है ना ट्रैवल करने में वो मज़ा किधर नहीं, जो नेचर के साथ वाइब है ना यार वो किधर नहीं मिलेगा। बस आदमी को तो खाली कुछ मेरे दोस्तों की कमी महसूस हो रही है, बस बाकी मज़े में तो कोई कमी नहीं, बाकी बस एक दोस्त रहना चाहिए पास साथ में, क्योंकि दोस्तों के बिना तो सारी ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए ओवरटेक करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि सामने से गाड़ी भी आ रही है, ऐसा नहीं गाड़ी नहीं है, एक मिस्टेक किया मैं ख़त्म। सीधा है यार, रिवर यार, नेक्स्ट टाइम आने के टाइम से नीचे से आना पड़ेगा, फोटो वीडियोस ले सकता हूँ मैं जरा के। ये सब टर्न पे ना बहुत रिस्की है, अगर वन वे है तो फिर सामने का गाड़ी आ रहा है, मेरे को ट्रैवलिंग करने का मन करता तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से कौन ट्रैवल करता रहेगा यार, ये मैं सोच रहा ना तो लाइव देना तो कुछ है, मतलब छूट जाता रहेगा सिर्फ वॉक करके ना आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सब बाइकर्स ही है, मोटो ब्लॉगिंग कोई खाऊ नहीं है गाइस, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। इस व्यू देखो यार, उधर क्या व्यू है, जो लोग बोलते हैं ना मोटो ब्लॉगिंग बहुत आता है, नहीं यार गाइस ऐसा कुछ भी, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग कोई खाओ नहीं है करना, एक तो घर का टेंशन अलग रहता है, प्लस फिर पेट्रोल और पैसा अलग, हर एक चीज़ की गर्लफ्रेंड के काम अलग रहते हैं, हर सब कुछ सुनना पड़ता है, और फिर कहाँ जाए क्या करे कौन सा इधर होना है कौन सा कैसा कंटेंट नहीं मिलता है, कभी कभार ऐसे खाली हाथ चले जाते हैं, कुछ भी अजीब से ही रहता है यार, सब चीज़ बहुत मुश्किल है यार। वृंदावन तो नहीं निकला पर वहाँ पे वृंदावन सोसाइटी और वृंदावन पास मिला, जिसमें बच्चे खेलते थे, तो हमको खुशियाँ बनाया गया। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है, मिलते हैं।